नमस्कार जय भवानी दोस्तों तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में तो दोस्तों जैसा कि हम अलग अलग क्लास में अलग अलग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो आज भी एक नया टॉपिक लेके आए ये टॉपिक रहेगा रहे क्लास ट्वेल्थ से ओके टॉपिक का नाम होगा ग्लूकोज ग्लूकोज टॉपिक है और ये चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ के बायोमोलिक्यूल से ओके तो ग्लूकोज के बारे में हम जिक्र करेंगे तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे सब लोग आपके फैमिली में भी सब ठीक होंगे तो दोस्तों बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर का ये टॉपिक्स ओके तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज़ की एक्चुअली में ग्लूकोज़ होता क्या है ग्लूकोज एक्चुअली में हमने पहले पढ़ चुके हूँ पढ़ चुके होंगे तुम लोगों ने हाईलाइट भी किया होगा पढ़ा भी होगा बुक तो ग्लूकोज एक्चुअली एग्जाम्पल होता है सेखेराइड का मोनोसेकेराइड का ये हम पहले इस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्लूकोज ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेराइड यूनिट मोनोसेराइड इज इट क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मोनोसेकेराइड मोनोसेकेराइड क्या होता है कि मैंने पहले बताया हुआ है कि मोनोसेकेराइड आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज इन टू दिप इन टू इट्स सिंपलर यूनिट ऑफ पोलीहाइड्रोक्सी और पोलीहाइड्रोक्सी कीटोन तो ये होता है कि ग्लूकोज क्या होता है मोनोसेखेराइड है और मोनोसेखेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो फिर से हाइड्रोलाइज नहीं होते और हाइड्रोलाइज होने के बाद सिंपलर यूनिट मोनो पोलिसराइड सॉरी नॉट पोलिसाइड सॉरी सॉरी पोलीहाइड्रोक्सी एल्डीहाइड और पोलीहाइड्रोक्सी कीटोन की स्मॉलर यूनिट नहीं देते हैं तो बात करते हैं ग्लूकोज ऐसे ही है कि जो इसको फिर से हाइड्रोलाइज नहीं होंगे तो ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेकेराइड इट इज प्रेजेंट इन नेचर इट इज प्रेजेंट इन नेचर इन फ्री एज वेल एज एज वेल एज इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन वॉट कंबाइंड स्टेट कंबाइंड स्टेट ये किस किसके में हमने कहा गया कि कुलकोस क्या होता है कि यह फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है ओके नाउ इट इज प्रेजेंट इट इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स प्रेजेंट इन फ्रूट्स इन फ्रूट्स एंड वॉट इन हनी कोमा इटीसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें यह पाया जाता है ग्लूकोज पाया जाता है ओके तो ये तो दोस्तों हमारा था ग्लूकोज का तो ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं द मोलिकुलर फॉर्मूला द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज ऑफ ग्लूकोज Is C6, is C6 H12 O6. ये क्या होता है ग्लूकोज होता है जिसमें किससे तीन एलिमेंट से मिलके बना होता है फर्स्ट कार्बन सेकंड हाइड्रोजन एंड थर्ड वन इज द ऑक्सीजन तो दोस्तों ये तो छोटा बेसिक आइडिया था किसके बारे में ग्लूकोज अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं सो हाउ विल यू प्रिपेयर हाउ कैन यू प्रिपेयर लेबोरेटरी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन दोस्तों बेहतर की ऊपर से कर देते हैं आप स्किन ले सकते हैं उसके बाद हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं ओके okay. तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले ऊपर से बात करेंगे प्रिपरेशन की प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज कैसे बनाया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल आता है फ्रॉम सुक्रोज फ्रॉम सुक्रोज सुक्रोज़ को तो जानते ही होंगे बेटा ये होती है चीनी केन शुगर जिसका फॉर्मूला होता है सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन ओके तो फ्रॉम सुक्रोज से पहले हम सुक्रोज से बनाते हैं वेन सुक्रोज वेन सुक्रोज इज बॉइल्ड विद इज बॉइल्ड विद एस सी एल और डाइल्यूट एच टू एसओ फोर ओ एच टू एसओ फोर देन देन ग्लूकोज इज फॉर्म्ड अलोंग विद द सुक्रोज अलोंग विद द सुक्रोज सॉरी अलोंग विद द फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज सबसे पहले हम क्या करते हैं सुक्रोज को क्या करते हैं सुक्रोज को बॉइल्ड करते हैं सुक्रोज फॉर्मूला सी ट्वेल्व एस ट्वेंटी टू ओ इलेवन दैन दिस वन इज द एक्वा सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन होगा मतलब की सोल्यूबल फॉर्म होगी तभी तो खुला हुआ होगा सोल्यूशन होगा तब वही तो बोल्ड होगा बोल्ड वही होता है जो सोल्यूशन होता है ओके दिस वन सोल्यूशन वॉट एसीडी फाइड और वैन बिथ द एस सी एल और एस टू एस ओ फोर देन वॉट विल है दिस वन इज द ग्लूकोज एंड दिस वन इज द फ्रुक्टोज कहोगे दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूले तो सेम है यस yes, दोनों के मोलिकुलर मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है सेम होता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का तो दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज सेकंड फ्रॉम स्टार्च फ्रॉम स्टार्च हम स्टार्च से भी बना सकते हैं हाउ वेन स्टार्च When starch is heated is heated in the presence of in the presence of acid and at a temperature of and at a temperature of five twenty three Kelvin five twenty three Kelvin and two to three ATM pressure. टू टू ए टी एम प्रेशर देन ग्लूकोज दे ग्लूकोज इज क्या बात आती है देखते हैं दोस्तों इसमें स्टार्ट इस से बनाते हैं इसको पहले तो ग्लूकोज सुक्रोज से बनाया था अब स्टार्ट से स्टार्ट का फॉर्मुला होता है सी सिक्स एच टेन ओ फाइव एंड होल एन अब कहेंगे एन क्यों लिखा है एंड इसलिए लिखा है क्योंकि सिंपल ये क्या होती है एक मोनोमेरिक यूनिट होती है काफी सारी आर यूजिंग एन देन एन सी सिक्स विल फॉर्म ओके दोस्तों तो क्या होता है कि सबसे पहले स्टार्च को क्या बोयल्ड और हीट किया जाता है कि, किसके प्रेजेंस में एसिड के प्रेजेंस में फाइव ट्वेंटी 523 केल्विन एंड 2 टू 3 एटीएम प्रेशर के प्रेजेंस में तो क्या होता है ग्लूकोज बन जाता है ओके okay? तो दोस्तों ये दो मेथड्स हैं दीज आर द टू मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फर्स्ट फ्रॉम सुक्रोज सेकंड फ्रॉम स्टार्च ओके ना तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं इसका और मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिलेगा एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वहाँ लिंक पर क्लिक करके भी आप इस चैप्टर के नोट्स ले सकते हैं कंप्यूटराइज नोट्स होंगे सब इजी लैंग्वेज में होंगे ओके okay, दोस्तों बात करते हैं ये हो गया होगा यस yes. बात करते हैं प्रॉपर्टीज की ओके okay, प्रॉपर्टीज क्या होती है प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी सब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज 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 ऑफ ग्लूकोज सबसे पहले बात आती है क्या कि द मोलिकुलर फॉर्मूला द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज एज वॉट एज सेल्व ओ सिक्स क्या होता है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है से सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स एक एक चीज माइंड में रख के चलना बहुत ईजी चैप्टर है सेकेंड वन इज वॉट सेकेंड आता है कि वैन ग्लूकोज इज हीटेड विद एच आई हीटेड प्रोलोंग इज हीटेड प्रोलोंग विद एच आईन दैन वॉट धन एन हैगजेन धैन एन हैगजेन इज फोम्ड बात आती है कि जब ग्लूकोज को हीट किया जाता है दिस वन इज द सी एच ओ सी एच ओ एच फोर एंड दिस वन इज़ द सी टू ओ एच जब हम इसको एच आई के साथ में प्रोलोंग हीट करते हैं बहुत लंबे समय तक हीट करते हैं तो क्या होता है ये जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक हो जाता है और एक सिंपल चेन बना लेता है जिस जैसे स्ट्रक्चर बनेगा सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस टू सी एस टू एंड देन सी एस थ्री और ये क्या नाम होता है इसका होता है हेगेन दोस्तों इस एग्जाम इसका कंपाउंड क्या बनता है एक्जेन तो पहली बात आती है जब हम ग्लूकोज को प्रोलोंग हीट करते हैं एचआई हाँ के साथ में हीट किया जाता है तो क्या होता है ये अनसाइक्लाइज पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है और सिंपल एक चेन बन जाती है जिसको बोलते हैं एक्जेन ओके सी बात आती है वैन वैन ग्लूकोज इज रिएक्ट विद वैन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद वॉट वीक योर वीक कैन सी द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बी आर टू बी ब्रोमीन ब्रोमीन देन वॉट विल एपन देन इट ऑक्सीडाइज्ड देन इट ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म एंड फॉर्म कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्ट तो क्या बनता है कि जब हम ग्लूकोज को रिएक्ट करते हैं माइल्ड मींस वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में मींस सी एच ओ दैन सी एच ओ एच फोर दिस वन इज द सी एच टू ओ एच रिएक्ट विद बी आर टू बी आर टू दैन वॉट विल फॉर्म देन दिस वन सी ओ ओ एच एंड सी एच ओ एच फोर एंड दिस वन इज द सी एच टू ओ एच और वी कैन से डर दसिड कंपाउंड विल फॉर्म तो क्या होगा जब ग्लूकोज को ब्रोमिन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसे ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्ट बना लेता है ओके क्या होगा इसको क्या बोलेंगे ये होता है बेटा ग्लूकोनिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड बना लेता है ओके ग्लूकोनिक एसिड बना लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्ट या ग्लूकोनिक एसिड भी बोल सकते हैं नेक्स्ट आता है डी वेन ग्लूकोज इज रियक्ट विद इज रिए रिएक्ट विद विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वट कॉन्सेंट्रेटेड एच एनो थ्री इसको ऊपर लिख देते हैं ग्लूकोनिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड ओके वॉट एजेंट कॉन्संट्रेटेड एच एन ओ थ्री देन इट ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म एंड फोम डायकार्बोक्सिलिक डायकार्बोक्सिलिक सॉल्ट डायकार्बोक्सिलिक एसिड और वी कैन सीड द दैक्रिक एसिड सेक्रिक एस ई डबल सी एस ई डबल सी एच ए आर आई सी सेक्रिक एसिड सेक्रिक एसिड बना लेता है दैन द रिएक्शन इज सी एच ओ सी एच ओ एच होल फोर दैन सी एच टू ओ एच रिएक्ट विद वॉट कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री दैन वॉट विल हैपन इट विल ऑक्सीडाइज मीन्स ग्लूकोज ऑक्सीडाइज सी एच ओ एच फोर इसके दोनों साइड क्या हो जाता है और इसको हम क्या भी बोल सकते हैं है तो ये फोर आएंगे अभी इसको स्किन शोर ले सकते हो उसके बाद और बची हैं अभी आगे फर्स्ट ऑफ ऑल की बात आती है देखते हैं पहले क्या होता है मोलिकुलर फॉर्मुला होता है सी सिक्स एस टिक्स सेकेंड ग्लूकोज एच आई के साथ हीट करते हैं बहुत लंबे समय के लिए तो एनहेक्जेन बन जाता है आगे ग्लूकोज को अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं ब्रोमीन क्या है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और क्या बना लेता है सीओएच पहला वाला सीओएच हो जाएगा बाकी सेम ऐसी ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है फोर्थ आता है ग्लूकोज को रिएक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और दोनों ग्रुप फर्स्ट और लास्ट इसको करेगा ये वाला और ये वाला तो इसमें डाई डाई क्या बन जाए? बन जाए कार्बोक्सिलिक एसिड जाता है और हम बोलते हैं सैक्रिक एसिड बन जाता है जाओ तो दोस्तों आप इसका स्क्रीन शोट भी ले सकते हैं ओके दोस्तों बात करेंगे पॉइंट ई की किसकी पॉइंट ई की बात करेंगे अब पॉइंट ई में क्या होगा कि पॉइंट ई ई की बात होगा वेन ग्लूकोज वेन ग्लूकोज रिएक्स विद रिएक्स विद हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोक्सिल एमाइन देन ऑक्सिम ऑक्सिम इज फॉर्म्ड बेटा सिंपल सी चीज़ है कि ग्लूकोज जब किसके साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्सिलमाइन के साथ मीन सी एच ओ सी एच ओ एच फोर दिस वन इज़ द सी एच टू ओ एच रिएक्ट विद एन एच टू ओ एच दिस वन इज़ द हाइड्रोक्सिलमाइन देन व्हाट विल फॉर्म दिस वन इज़ द सी एच डबल बॉन्ड एन एच ओ सी एच डबल बॉन्ड एन एच ओ ओके एन एच ओ एन दिस वन इज द सिंगल बॉन्ड सी एच ओ एच फोर दिस वन इज सी एच टू सी सी एच टू ओ एच दिस वन इज वॉट ऑक्जिम ये क्या कहलाता है बेटा ऑक्सिम कहलाता है ओके okay. नेक्स्ट आती है एफ की वैन ग्लूकोज वैन ग्लूकोज इज रिएक्ट विद इज रिएक्ट विद वॉट हाइड्रोजन साइनाइड एन हाइड्रोजन साइनाइड साइनोहाइड्रिन देन साइनोहाइड्रिन देन साइनोहाइड्रिन इज फॉर्म्ड बेटा दोनों के फॉर्मूल अच्छे से कर लेना ये ऑक्सिम है और जब ये साइनोहाइड्रिन आएगा सी एच ओ देन सी एच ओ एच फोर एंड देन सी एच टू ओ एच रिएक्ट करता है एच सी एन के साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ तो हमारा ये क्या इसका तो पता ही होगा दोस्तों ग्लूकोज है ये पहले से ग्लूकोज आ रहा है ये हाइड्रोजन साइनाइड है हाइड्रोजन साइनाइड और ये पहले हाइड्रोक्सिल अमाइन है ये हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल एमाइन है ओके तो दोस्तों अब इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या आता है सी एच नीचे आएगा एन एच और ये भी आ जाएगा ओ OH. एच सी एच एन एच ओ एच एंड देन अगेन वॉट सी एच ओ एच फोर एंड दिस वन इज दी एच टू ओ एच ये क्या लाता है साइनोहाइड्रिन ये साइनोहाइड्रिन होता है दोस्तों तो ये क्या आते हैं हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज हमारी ग्लूकोज की थी तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो ओके okay, दोस्तों तो अब हम लास्ट बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की लास्ट हम बात करने वाले हैं इसके स्ट्रक्चर की ओके स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज अब ग्लूकोज की बात आती है तो ग्लूकोज क्या इट इज अ एल्डोज हेक्जो एल्डोज हेक्सोल्डोज हेक्सोल्डोज एंड आल्सो नोन एज एंड आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज ओके अब हम बात करते हैं इसमें क्या है ये ये क्या होता है ओके okay? तो हमने कहा गया कि एल्डो क्यो, हेक्जोज क्यों हेक्सोएल्डोज क्यों कहा गया एल्डोहेक्सोज तो हेक्सोएल्डोज क्यों कहा गया हमें इसलिए कहा गया कि इसमें क्या है हेक्स मतलब कि सिक्स कार्बन एटम है और एल्डोज मतलब एल्डिहाइड है ध्यान रखना जिस कार्बोहाइड्रेट में जिस कार्बोमोनोसेक्राइड में एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसे एल्डोहेक्जोज बोलते हैं क्या बोलते हैं एल्डोहेक्जोज लिख देते हैं एल्डोहेक्जोज एल्डोहेक्जोज सॉरी एल्डोहेक्जोज बोलते हैं जिसमें एल्डिहाइड होता है और ऐसा मोनोसैक्राइड यूनिट जिसमें किटोन होता है उसे किटोज बोलते हैं एल्डो किटोज सॉरी किटोहेक्जोज व्हाट किटोहेक्जोज ये एल्डो है एल्डो मीन एल्डिहाइड ग्रुप है बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर की तो सी एच ओ ये हो गया फिर ये क्या आता है एक ये आ गया देखो यहाँ पर ये आ जाएगा ये आ जाएगा और ये आ जाएगा और यहाँ यहाँ पर क्या आ जाएगा सी एच टू ओ एच आ जाता है बेटा ध्यान रखना थोड़ा सा थोड़ा चेंज आने वाला है इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना ज्यादा नहीं रखना है दिस वन इज द वर्ट एच ओ OH, एच ये ओ एच OH, यहाँ पर एच आएगा और नीचे सेम आएंगे एच एच ओ एच ओ एच ओके दोस्तों उम्मीद है कि ये वाला भी समझ में आया होगा इस स्ट्रक्चर का क्या नाम होता है ये होता है चेन स्ट्रक्चर चेन स्ट्रक्चर और इसको क्या नाम आएगा इसको बोले तो एल्फा डी एल्फा डी ग्लूकोज होता है ये बेटा क्या होता है एल्फा डी ग्लूकोज होता है ओपन चेन में है एल्फा डी ग्लूकोज है ओके okay? सेकंड बात आती है दिस वन इज दी एच ओ सेम ऐसे ही बनेंगे फोर्थ फोर्थ तो ऐसे ही बनेंगे नीचे क्या सी एस टू ओ एच आ जाएगा इसमें क्या होगा इसमें ओ OH एच क्या आ जाएगा इधर ओ OH एच आ जाएगा इधर एच आएगा इधर ओ एच OH आएगा इधर एच आएगा इधर एच ओ एच एंड एच ओ एच आएगा ओके तो बेटा ये भी क्या है चेन स्ट्रक्चर है चेन स्ट्रक्चर है और इसका नाम होता है बीटा डी ग्लूकोज अब कहोगे बनाया तो सेम है ये नाम है जो कैसे हो गया अल्फा ये होगा देखो इसमें ऊपर स्ट्रक्चर पूरा ये पर बट बीटा में क्या आ जाएगा इधर इधर आ आ जाएगा और आ जाएगा और इतना ही चेंज आने वाला है किसके अंदर बीटा डी ग्लूकोज के अंदर ओके दोस्तों अब बात करते हैं इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर बात करें तो ये स्ट का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ओके ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है देखते हैं ये है ये है ये ये और ये बात यहाँ पर करें तो यहाँ पर क्या होता है सी एस टू ओ एच यहाँ पर आएगा एच यहाँ पर आएगा एच ये आएगा ओ एच ये आएगा ओ एच OH, यहाँ पर भी आएगा एच ये एच ओ एच एंड देन अगेन एच ओ एच दोस्तों ये क्या नाम है इसका होगा एल्फा डी एल्फा डी एल्फा डी, डी ग्लूकोज अल्फा एल्फा का स्ट्रक्चर कैसा है बेटा ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है क्या है साइक्लिक स्ट्रक्चर ओके साइक्लिक स्ट्रक्चर है ओके okay? बात आती है सेकेंड की दूसरे वाले स्ट्रक्चर की तो ये क्या हो गया यहाँ पर ओ आ गया सिंपल ये ओ दिस वन दिस वन दिस एंड ये मिला दो यहां पर बात यहां पर करते हैं तो ये सी एस टू ओ एच सेम रहेगा यहां पर भी ये क्या रहेगा एच सेम रहेगा यहाँ पर एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच और दोस्तों यहां पर चेंज हो जाएगा ओ एच और ये एच आ जाएगा यह बात ध्यान रखना लास्ट वाला यहां पर एच ओ एच में चेंज हो जाएगा बाकी सेम वही रहने वाला है ओके ओ एच एच क्लियर ना आई होप ये समझ में आया होगा इसका नाम स्ट्रक्चर होता है बीटा डी ग्लूकोज यह कैसा ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है ओके एक बात दोस्तों इसमें देख लेते हैं सबसे पहले अगर कार्बन एटम की बात आती है तो कार्बन एटम यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर ये क्या होता 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 है ये C2 होता है ये C3 होता है कार्बन ये C4 होता है, ये आइटमलिक्स जहां भी कॉर्नर होंगे मैंने पहले बताया कि यहां पर भी कॉर्नर होंगे ये क्या होगा यहाँ पर यह सब सबका सब क्या होता है कार्बन होता है तो दोस्तों हमारे ये क्या थे ये भी डी डेक्सट्रो है ये अल्फा और ये बीटा okay? है ओके डेक्स्ट्रो और लेबो रोटेटरी करके आता है इसमें तो रोटेशन के ही फर्क से घूमता है और ये भी रोटेशन लेगा वो कहां से लेगा हमेशा सीवन से ही रोटेशन लेता है ओके okay, दोस्तों तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो ओके दोस्तों उम्मीद है कि ये एक समझ में आया होगा तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया हो और आगे भी आता रहे तो दोस्तों समझ में आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ये सेट कीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके तो दोस्तों अब मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में एक आगे लेके आएंगे एक नया टॉपिक लेके आएंगे एक अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद